शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछले एक डेढ़ साल से हिंदुस्तान में कोरोना के कारण व्यापारी वर्ग का, खास तौर पे छोटे दुकानदार वर्ग का, जो छोटा व्यापारी है उसका जो धंधा है लगभग चौपट रहा है। उनको ना कोई पेंशन मिलती है, ना उनका कोई प्रोविडेंट फंड होता है, ना सरकार की तरफ से उनका कोई बीमा होता है। सिर्फ और सिर्फ अपने छोटे मोटे काम धंधों से ही उनके परिवार चलते हैं, उनके मकान के किराए जाते हैं, उनकी दुकानों के किराए जाते हैं, उनके स्कूल के बच्चों की फीस जाती है, हर चीज़ के लिए उनका जो छोटा सा जो काम धंधा है उसके ऊपर वो लोग आश्रित होते हैं। और ऐसे समय में जब सरकारें लोगों की मदद के लिए ये कोशिश कर रही हैं कि प्राइवेट स्कूलों के अंदर एनुअल चार्ज ना बढ़े, राशन के लिए जिसके पास राशन नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, उसको भी आधार कार्ड के ऊपर जो है मुफ्त राशन दिया जा सके, बड़े बड़े परोपकारी लोग राशन की बनी बनाई किट बांट रहे हैं, स्कूलों के अंदर मिड डे मील बच्चों को कच्चे राशन के रूप में सरकार जो है दिल्ली सरकार बांट रही है, ऐसे समय में भाजपा शासित दिल्ली नगर निगम चोरी छिपे व्यापारियों को इतनी बड़ी यातना दे रही है कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये इस बेशर्मी पे भी दिल्ली नगर निगम आ सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब कोरोना के अंदर सारे अखबार, सारे मीडिया चैनल्स जो थे कोरोना की महामारी को कवर करने के अंदर व्यस्त थे, सरकारें व्यस्त थी, उस समय ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने और नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने, उत्तरी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने ट्रेड लाइसेंसेस के अंदर, जो ट्रेड लाइसेंस जो हर दुकानदार को एमसीडी से लेना पड़ता है, हर साल उसकी लाइसेंस फीस देनी पड़ती है, उसके अंदर गजब की बढ़ोतरी की है। मतलब आप लोगों के होश उड़ जाएंगे जब आपको पता चलेगा कि उन्होंने कितनी बढ़ोतरी की है। एक ट्रेड लाइसेंस जो पहले ए बी सी डी ई एफ जी सभी कैटेगरीज के लिए 500 रुपए वर्ग मीटर हुआ करता था, 500 रुपए वर्ग मीटर का, उसको उन्होंने बढ़ा के 8625 कर दिया। आप सोचिए 17 गुना जो है उन्होंने उसको बढ़ा दिया है वर्ग मीटर। मतलब इतनी बेशर्मी और कितनी बद्दुआएं ये लोग जो है गरीब और बेचारे अभी तक जो खुद प्रताड़ित हैं उन दुकानदारों से ये जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित एमसीडी ले रही हैं। इन्होंने इसको ए और बी कैटेगरी को 8625 रुपये प्रति वर्ग मीटर कराए, सी और डी कैटेगरी को 5750 रुपये प्रति वर्ग मीटर किया है, और अन्य का इस तरह से इन्होंने किया है। ये नॉर्थ एमसीडी की जानकारी है। ठीक इसी तरीके से ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने कोरोना की महामारी के दौरान, यानी कि आज से करीब एक महीना पहले जब सब लोग कोरोना से जूझ रहे थे, उस वक्त इन्होंने जो एग्जिस्टिंग रेट थे ए और बी कैटेगरी के, वो थे 200 रुपये प्रति वर्ग मीटर ट्रेड लाइसेंस, जो कि इन्होंने बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति वर्ग मीटर कर दिया। मतलब 15 गुना बढ़ा दिए, 1500% इन्होंने जो है रेट्स अपने बढ़ा दिए। हर दुकानदार को, छोटा दुकानदार, बड़ा दुकानदार, शोरूम वाला, चाय वाला, पान वाला, किसी को नहीं छोड़ा इन्होंने, और ये चुपचाप करके ये लोग बैठ गए हैं। और दुकानदार अब हाय हाय कर रहे हैं कि क्या ये इन्होंने जो है इनके साथ किया, और ये सारी की सारी जो जिस तरह से इन्होंने बढ़ाए हैं उसकी रिपोर्ट्स हमारे पास हैं, हम लोग आपको व्हाट्सएप पे जो है वो शेयर कर देंगे।
ए और बी कैटेगरी को मैं आप मोटे तौर पे बता दूं, 200 रुपए प्रति वर्ग मीटर से बढ़ा के इन्होंने 3000 कराए। सी और डी कैटेगरी को इन्होंने 200 रुपए प्रति वर्ग मीटर से बढ़ा के 2000 रुपए प्रति वर्ग मीटर किया है। बहुत शर्म की बात है, बड़े दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी इस तरह के काम कर रही है। मेरी अखबार वाले भाइयों से ये निवेदन रहेगी कि कई बार क्या होता है कि हम एमसीडी की खबर सोच के ये सोचते हैं कि अरे तो एमसीडी की खबर है। सबसे ज्यादा एमसीडी ही दिल्ली के लोगों को प्रभावित करती है, और जब तक एमसीडी के अंदर सुधार नहीं होगा, दिल्ली के अंदर सुधार होना बहुत कठिन है। मैं मानता हूं कि हमारे अखबार वाले साथी दिल्ली में ही रहते हैं और वो समझेंगे कि एमसीडी के अंदर सुधार होना बहुत जरूरी है और इसकी खबरों का छपना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। ये अब आप कट कर देंगे, इसके बाद एक और पीसी